नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजापति स्मार्ट न्यूज। वसुंधरा और नड्डा की एक घंटे चली मुलाकात, पूर्व सीएम को खुद की भूमिका को लेकर क्यों लगाई पड़ी गुहार। जी हां दोस्तों, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने गुरुवार दोपहर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच राजस्थान के राजनीतिक हालत और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक घंटे से भी ज्यादा चर्चा हुई है। सूत्रों की माने तो वसुंधरा राजे सिंधिया ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी आलाकमान उनकी भूमिका को स्पष्ट करे। अमित शाह ने चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना दी नसीहत, प्याज के छिलके वाली तकनीक को लेकर चेताया। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री ने चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्हें नसीहत दे दी है। शाह ने कहा, टेक्नोलॉजी आज सभी कन्वेंशनल जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल और आर्थिक सीमाओं के पार पहुंच चुकी है। आज हम एक बड़े ग्लोबल डिजिटल विलेज में रहते हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी मानवीय समाज और देशों को ज्यादा तेजी से करीब लाने वाला एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन कुछ सामाजिक तत्व तथा स्वार्थी वैश्विक ताकतें भी हैं। बीपीएससी की 69वीं सीसी आरंभिक परीक्षा इस दिन से शुरू हो गए पंजीकरण। ज्यादातर बिहार लोक सेवा आयोग 15 जुलाई 2023 से बीपीएससी 69वीं प्रारंभिक परीक्षा 2023 पंजीकरण शुरू करेगा। जो उम्मीदवार 69वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे बीपीएससी के आधिक वेबसाइट bpscbihnic.in के माध्यम से कर सकते हैं। पीएम मोदी पेरिस पहुंचे, भारतीय समुदाय के लोगों से मिल, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगे। ज्यास्तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच गए हैं। वे सुबह दिल्ली से फ्रांस के लिए रवाना हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी के पेरिस पहुंचने पर उनका औपचारिक स्वागत किया गया। फ्रांस की पीएम एलिजाबेथ बोर्न ने उनकी अगुवाई की। प्रधानमंत्री मोदी जब अपने होटल प्लाजा एथेनी पहुंचे तो बाहर भारतीय समुदाय के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए।